हेलो स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास सेकेंड, इट्स चैप्टर टू एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर टू। देखिए, अरेंज दिस नाउन्स अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स, यानी कि यहाँ पर आपको हेडिंग्स दी गई हैं। ये है पर्सन एंड एनिमल, दो हेडिंग्स हैं आपके पास, एंड आपको नाउन दिए हुए हैं कंगारू, सिस्टर, ज़ेब्रा, डॉक्टर, नर्स, गोरिल्ला, ड्राइवर एंड जिराफ। ये आपके नाउन्स दिए हुए हैं और आपको हेडिंग्स दी हुई हैं। आपको इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग इन नाउन्स को फिल करना है। जैसे नंबर वन आपका वर्ड दिया हुआ है कंगारू। कंगारू क्या है? एक एनिमल है, तो कंगारू को हम एनिमल में नोट कर देंगे कंगारू। नेक्स्ट है आपका सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। ये आपका क्या है? पर्सन हो गया, तो हम इसे पर्सन में नोट कर देंगे SISTER, सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज़ेब्रा। ज़ेब्रा एक एनिमल है, तो इसे हम एनिमल में नोट कर देंगे। नेक्स्ट डॉक्टर। डॉक्टर एक पर्सन है, क्योंकि डॉक्टर पर्सन होते हैं, तो इसे हम पर्सन में नोट कर देंगे। नेक्स्ट नर्स। नर्स भी पर्सन है, तो हम नर्स को पर्सन में नोट कर देंगे। नेक्स्ट गोरिल्ला। गोरिल्ला एक एनिमल का नेम है, तो गोरिल्ला को हम एनिमल्स में नोट कर देंगे। नेक्स्ट ड्राइवर। ड्राइवर पर्सन है, तो हम इसे पर्सन में नोट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जिराफ। जिराफ एक एनिमल है, तो हम उसे एनिमल में नोट कर देंगे। क्लियर? देखिए सेकंड। सेकेंड में भी वही है, आपको टू हेडिंग्स दी हुई हैं। एक है प्लेस, इसमें प्लेस की स्पेलिंग रॉन्ग आई, PLACES प्लेसेस होगी, इसमें एल मिसप्रिंट हो गया है। एंड नेक्स्ट थिंग्स, यानी कि यहाँ पर चीज़, कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो यहाँ आएगी, और जो प्लेस का नेम होगा, किसी भी कंट्री का नेम या किसी भी प्लेस का नेम, तो उसे हम प्लेस में नोट करेंगे। जैसे आपके ऑप्शंस हैं बैंक, काइट, नेल्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, जू, साइकिल एंड ऑफिस। क्लियर? देखिए नंबर वन है आपका बैंक। बैंक एक प्लेस का नेम है, तो हम इसे प्लेस में नोट कर देंगे BANK बैंक। क्लियर? काइट। काइट मीन्स पतंग, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसे थिंग्स में नोट कर देंगे। नेक्स्ट नेल्स, यानी कि नाखून, ये भी आपकी नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर हम इसे थिंग्स में नोट कर देंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपका थिंग आएगा, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसे कंप्यूटर को नोट कर देते हैं। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी प्लेस का नेम है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है, तो इसे हम प्लेस में नोट करेंगे। जू। जू एक प्लेस का नेम है, तो हम इसे प्लेस में नोट कर देंगे। नेक्स्ट साइकिल। साइकिल नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसे थिंग में नोट कर देंगे, थिंग्स में। नेक्स्ट ऑफिस। ऑफिस एक प्लेस का नेम है, जगह है एक ऑफिस, तो हम ऑफिस को प्लेस में नोट कर देंगे। क्लियर? मैच ईच मदर टू हर बेबी, यानी कि यहाँ पर आपको मदर्स के नेम हैं, उनको उनके बेबी को क्या बोलते हैं वो आपको मैच करना है। फर्स्ट है गूस। गूस की बेबी को बोलते हैं गोसलिंग। क्लियर? नेक्स्ट है कंगारू। कंगारू की बेबी को बोलते हैं चूहा। क्लियर? नंबर थ्री डक। डक की बेबी को बोलते हैं डकलिंग।
क्लियर। नंबर फोर लॉइन, लॉइन के बेबी को बोलेंगे हम कब। नंबर फाइव फ्रॉग, फ्रॉग के बेबी को बोलेंगे टैडपॉल। क्लियर। गूस गूसलिंग, कंगारू जॉय, डक डकलिंग, लॉइन कब, फ्रॉग टैडपॉल। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है। एंड नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग बॉक्स सम नेम्स ऑफ पीपल आर गिवन हु हेल्प अस इन डिफरेंट मैनर्स। चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। वो क्या काम करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नेम है, वो नेम नोट करना है आपको। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, टेलर, स्टेशनर, पोस्टमैन, कॉपलर एंड सेलर। ए पर्सन हु मेंड्स शूज, यानी कि एक पर्सन जो आपके शूज को ठीक करता है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉबलर। क्लियर। ए पर्सन हु सेल्स पेपर पेंस एंड राइटिंग मटेरियल्स, यानी कि एक वो पर्सन जो आपको पेपर्स और पेंस या पेंसिल, इरेजर, राइटिंग मटेरियल जितना भी होगा वो जिस शॉप पर आपको मिलेगा, जो भी उस आपको वो प्रोवाइड करेगा उसे हम स्टेशनर बोलेंगे। STATIONER स्टेशनर। क्लियर। नंबर थ्री, ए पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लॉथ्स, यानी कि एक पर्सन जो हमारे क्लॉथ, जो हमारे ड्रेसेस हैं वो सीता है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेलर। तो TAILOR टेलर। क्लियर। नंबर फोर, ए पर्सन हु ब्रिंग्स अस आवर लेटर्स, यानी कि एक पर्सन जो हमें हमारे लेटर्स ला करके देता है, और जो लेटर्स देता है उसे हम पोस्टमैन कहते हैं। सो पोस्टमैन POSTMAN मैन। नंबर फाइव, ए पर्सन हु गोज टू सी इन टू द सी इन शिप, यानी कि एक पर्सन जो शिप के अंदर, शिप में बैठ करके सी के अंदर जाता है, यानी कि समुद्र के अंदर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेलर। SAILOR। क्लियर। जैसे ए पर्सन हु मेंड्स शूज, यानी कि जो हमारे शूज को ठीक करता है उसे कॉबलर कहते हैं। एंड ए पर्सन हु सेल्स पेपर पेंस एंड राइटिंग मटेरियल, जहाँ हमारा पूरा राइटिंग मटेरियल मिलता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, स्केल, जितनी भी हमारी राइटिंग मटेरियल्स होंगे जो मिलेंगे वो हमें कौन देता है, स्टेशनर। नंबर थ्री, ए पर्सन हु स्विच आवर क्लॉथ्स, यानी कि जो हमारे क्लॉथ्स को सीता है, ड्रेसेस को सीता है, उसे हम टेलर बोलते हैं। नंबर फोर, ए पर्सन हु ब्रिंग्स अस आवर लेटर्स, यानी कि जो हमारे लेटर्स लिखते हैं, जो लेट कर आते हैं हम तक, जो लेटर पहुंचाते हैं उसे पोस्टमैन कहेंगे। नंबर फाइव, ए पर्सन हु गोज टू द सी इन शिप, यानी कि एक पर्सन जो कि शिप में बैठ करके सी के अंदर की समुद्र के अंदर जाता है, तो उसे हम सेलर कहते हैं। नाउ योर एक्सरसाइज इज कम्प्लीट। डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक and learn hand to hand.